अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जा रही, मेरी फ्रेंड नाजिश, उसका घर बना था माशाल्लाह, उसने न्यू घर बनाया, तो मैं जा नहीं सकी, तो बस अभी मैं तो जा रही हूँ। और अभी हस्बैंड को मैंने भेजा है दो खोखे कैन लेने के लिए, और वो ठीक दुकान पे शॉप पे नहीं गए, वो आगे शॉप है, और मैंने उन्हें बताया भी था, तो चले मिल जाएगी, थोड़ा आगे जाना। हाँ जी, मिल गई है फाइनली उनको, वो जल्दी में मैं रेडी हुई थी। और ये मैंने पहना है आज क्रॉस स्टिच का जोड़ा, और ये मुझे दिया था मेरे कज़न की मिसेस सना ने। और जी ये रिंग बहुत हैवी है, अभी मेरी कोई फिंगर जोन सी है ना, वो इतनी पतली तो है नहीं कि हैवी ना उठा सके, लेकिन मैंने उसको अभी उतार दिया कि घर के पास जाके ना तो पहनूंगी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ना कुछ भी मुंह पे लगाने को, अवल तो मेरा इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, लेकिन आज तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही लग रही थी शावर लेने के बाद। तो अभी ये मैं हाजीपुरा थाना इधर पास हूँ, आज इमाम हुसैन का 40वां भी है, तो इस साइड पे अक्सर रश तो वैसे भी नॉर्मली बहुत होता है, थर्सडे को तो बिल्कुल हम इमाम साहब की साइड से गुजर ही नहीं सकते। तो आई होप सो टाइम से पहुँच जाओ, क्योंकि 2:30 बज के हैं इधर ही मुझे, तो बस मैं बस इंशाल्लाह उसके घर पहुंच के फिर मैं वो घर दिखाती हूँ। बैग मैंने ये वाइट पकड़ लिया बहुत जल्दी में, ब्लैक निकालने का ना थे भी मैचिंग, लेकिन मुझे लग रहा था इसमें वाइट सिल्वर था, तो मैंने फिर उसके साथ अपनी ना जो शूज़ है उसके साथ कर दिया था। तो बस बहुत जल्दी में मैं रेडी हो गई थी, और अक्सर मैं कहीं जाना ना उसे मुझे कॉल भी आ जाती है, कॉल भी आती है लंबी वाली, तो फिर मेरा हो जाता था कभी कभी लेट। आज मुझे लेट हो गया, तो इसलिए मैं कोई भी प्रॉपर मसला ठीक है, बस ओके है, कोई नहीं, अपनी फ्रेंड बचपन के दोस्तों के साथ, तो फिर आपको पता। तो ये देखिए जी, अलम वगैरह लेके अभी हम लोग जा रहे हैं बिहार में। क्या ना, मैं ये चाह रही थी कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आप इजी होते हो, तो नादिश में मेरी इसी ही फ्रेंड के साथ इजी हूँ, वो मेरी कोई मैचिंग में वजह बात नहीं करेगी। मुझे खुद भी हो रहा है कि मैं वाइट नहीं, अगर ब्लैक लेती तो ज़्यादा अच्छा लगना था, ब्लैक है भी या बस बताया ना, बस जल्दी में मैं निकल आई हूँ। घर तो मुझे मिल गया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी कि उस दिन सब मोबाइल सर्विस बंद थी, तो बस थोड़ा सा डिस्टेंस था जो उसके पेरेंट्स के घर से, लेकिन जब आपने नई जगह पर जाना थोड़ा सा होता है, तो शुक्र लगा मैं बस पहुंच गई थी। तो अभी बस ये इन्होंने चाट और साथ जूस सर्व किया है, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, गर्मी दिन अभी भी ऐसा ही हो रहा है, अभी भी प्रॉपर वेदर चेंज नहीं हुआ, थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन किसी टाइम बहुत गर्मी भी लगती है। तो चाट बहुत मज़े की थी, खाना भी नादिश ने बहुत मज़े का बनाया था, और माशाल्लाह से घर तो बहुत खूबसूरत है। नादिश, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि मैंने जो पहलिंग देखी है ना, वो ज़्यादा सिंपल में देखी है, तुमने जो बीच में ये प्रिंट लगवाया ना, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ अच्छा, नहीं नहीं ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, तला तुम्हें रहना नसीब करे और ढेरों खुशियाँ दे, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह घर है। जी तो ये ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम और एक गेस्ट रूम नीचे है, और किचन भी नीचे है लिविंग, और बाकी ऊपर का पोर्शन हम खाना खाने के बाद गए थे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया हुआ था। और बहुत मज़े का भाई, आपको जैसे मैं बताया बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, और नादिश की बिरयानी तो बहुत मज़े की लगती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ बिरयानी हर बंदे की अपना एक होता है टेस्ट, तो चिकन मसाला मतलब बिरयानी इतनी फुल होकर खाई थी, बाकी चीज़ों की फिर गुंजाइश भी नहीं थी। और मैं तो ऑलवेज़ सबको कहती हूँ बिरयानी के साथ सिर्फ रायता हो और सैलड हो, तो उसके साथ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा भी है ना तो आप कबाब कर लो, क्योंकि बिरयानी अपने अंदर एक फुल जोनसा ना वो होता है, और मुझे तो बहुत मज़ा आया था। अभी ये देखते हुए फिर दोबारा से ना मुँह में पानी आ रहा है, तो बस हम लोग मिलकर खाना खाना है, उसकी आप ही भी आई हुई थी, और बड़ा अच्छा एक टाइम जोन सा ना हमारा स्पेंड, अब मतलब हमेशा से बहुत अच्छा टाइम गुजरता है उसके साथ मेरा, और बड़ी अच्छी मेरी फ्रेंड है, और अल्लाह ताला उसको रहना नसीब करे, माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत घर है। तो खाना वगैरह खाने के बाद ये रशियन सैलड नहीं थी खाई, तो अभी वो रशियन सैलड खा रहे हैं, तो ये अभी ख़त्म हुई थी थोड़ी देर में, फिर वो आइसक्रीम ले आई, तो आइसक्रीम खाने के बाद फिर साथ साथ हम लोग बातें भी करते जा रहे थे, तो आपको पता जब खवातीन बैठी हों तो उनकी बातों का तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है, और जब मैं बैठी हूँ तो बिल्कुल भी जो उनसे ना वो ख़त्म ही नहीं हो पाता। मैं बहुत अभी इसका पिंक है ना,
क्या चीज कमर चलो ये भी आ गया भैया माशा परी का रूम तो मुझे सबसे अच्छा लगा। मैं आज सोच रही हूँ पता चल जाता है मैं गर्मियों तुम्हारा सोफा बहुत अच्छा बना है कॉर्नर ये भी बनवाया है वॉल पेपर तो मुझे तुम्हारे सारे ही बहुत अच्छे लगे। मार्डों को तो खैर मुझे नहीं पता लेकिन ये कि सिटी हॉस्टल में अभी कितने मरले का हाँ तो वहाँ पे इतने नहीं मरला छोटा है ना वो समझो 3.5 आ जाता है ये तो मेरी फेवरेट जगह होती है ना बर्तन। हाँ जी सही माशाल्लाह इसमें धूप नहीं ना आती है बर्तन में। ये ना जूता कोई बात नहीं साफ है उधर क्या है नहीं ये माशाल्लाह बहुत बेड तो सही रॉयल बेड है भाई। तो नादिश ये भी तुमने कस्टमाइज करवाया ये वही कस्टमर हाँ अब तुम्हें पता यू नो नए लोग से कस्टमाइज अच्छा ठीक है मैंने मैंने ऐश क्रीम में किया ना मैंने भी कस्टमाइज करवाया मेरा वो है सारा ऐश में करवाया मैंने ना ये अच्छी बात है ना ये मुझे भी गेम उसमें मैं बताती हूँ ना हर एक इंसान की अपनी ही ना मैं अच्छा जी ये है मास्टर बेडरूम और बहुत खूबसूरत फर्नीचर उन्होंने माशाल्लाह तकरीबन सभी जोन सा न्यू फर्नीचर है और ये डीको थी ये माशाल्लाह जी मेरी फ्रेंड की बेटी है परिवेश नाम है इसका लेकिन हम लोग इसको परी ही कहते हैं तो काफ़ी अटैचमेंट है इसकी मेरे साथ। बस इसके बाद फिर हमने चाय पी चाय का मैं वीडियो नहीं बना सकी उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं चली गई थी हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ गए थे और ये अब नेक्स्ट डे है और आज मैं बनाया है मैंने बर्गर्स अंडे वाले बर्गर्स और मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं तो फिर मोस्टली फिर मैं यही बनाती हूँ। ठीक है और ऐसे ही अंडे वाला बर्गर बनता ही ऐसी है दो मैंने अंडे जोन से उसमें नमक जो रेड चिली डाली है साथ मैंने फ्राइज़ भी कर रही हूँ और जब ये तवा मैं देख रही हूँ तो ये तवा मैंने अपनी मेड को दे दिया और दूसरा इस पर पहले सबसे पहले मैं अंडे का जो आमलेट बना लूँगी फिर उसी जगह पे मैं जोन से ना मैं कबाब फ्राई कर लूँगी और फिर जो बन है ना उसको हल्का सा मैं सेक भी लूँगी तो जो सेकने से जोन सा ना एक तो वो जूसी भी हो जाते हैं और थोड़ा गर्म भी अच्छे लगते हैं तो बस ये मुझे भी अच्छे लगते हैं जब जल्दी हो और जिंगर वगैरह ये चीज़ें बनाने में फिर थोड़ा टाइम लगता है तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं और वैसे भी लाइट होते हैं। साथ मैंने जो कुछ चीज़ें मंगवाई हैं सब्ज़ी ख़त्म हुई हुई थी मैंने टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें साथ मंगवाई हैं सलाद के पत्ते भी मंगवाए हैं मैंने मेरे हस्बैंड को सलाद के पत्ते जो उनसे ना उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है तो बस साथ साथ मैं फ्राई भी बना रही हूँ फ्राइज़ भी कर रही हूँ और साथ साथ मेरे बर्गर्स और ये बहुत झटपट जो उनसा ना बर्गर्स बन जाते हैं सिंपल और क्विक और बहुत मज़े के। शलजम दिखा रही हूँ मैंने मंगवाए थे आई थिंक पाव ही अभी मंगवाए थे क्योंकि अभी सीज़न इनका स्टार्ट हुआ तो मुझे था पता नहीं टेस्ट कैसा हो लेकिन मैंने नेक्स्ट बनाए और बहुत मज़े के बने थे। तो अब ये सर्दियों की सब्ज़ियाँ अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कद्दू बनाने को जो सीज़नल सब्ज़ियाँ मैं हमेशा से वही बनाती हूँ और कभी भी आउट सीज़न की सब्ज़ी जो उनसी है ना मैं नहीं बनाती तो हाँ सिवाय एक मैं हमें मटर के मैं बनाती हूँ क्योंकि मटर बहुत अच्छे लगते हैं मटर वाले चावल अच्छे लगते हैं मटर गोश्त बहुत अच्छा लगता है तो शामी कबाब मैंने चिकन के बना के रखे हुए हैं शामी कबाब अगर घर में बने हो ना तो अगर कोई चाय पे भी अचानक आ जाए ना तो अच्छे लगता है एक मील आपको मिल गया साथ आप केक रख लें बिस्किट रख लें और अगर रोल समोसे हैं ठीक है नहीं तो अगर शामी कबाब भी अगर हो ना हाल ही बने हुए घर में तो मैं मोस्टली किलो चिकन के मैं बनाती हूँ उसे ज़्यादा के नहीं बनाती काफ़ी देर जाते हैं हम लोगों के और खिचड़ी के साथ मटर वाले राइस के साथ मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा होता है ना समटाइम इतना अर्सा शादी के गुजर जाने के बाद जो आपकी पसंद होती है आपके हस्बैंड की भी वही हो जाती है और जो आपके हस्बैंड की हो सिवाय मीट के तो वो आपकी भी हो जाती है तो मैं मीट नहीं बस खाना शुरू किया मैंने बाकी कि हम लोगों का खाना पीना जैसे नमक मिर्च बहुत हल्का ये हम लोगों का हो गया हुआ है तो बस मैं अब आज बर्तन वगैरह भी साथ साथ समेट रही हूँ लगा रही हूँ और मेरी जी घर की क्लीनिंग करने वाली है जो बस मेरी मेन आने वाली है उनका मैं वेट कर रही हूँ। सारी कैबिनेट्स बहुत ख़राब हुई हुई हैं और कुछ चेंजिंग मैं करती हूँ सर्दियों में और गर्मियों में कुछ ऊपर करती हूँ जैसे सूप सेट्स वगैरह मैं ले आऊँगी ग्लासेस आइसक्रीम सेट्स वगैरह उनको सारा थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँगी रखती हूँ
आइसक्रीम, बल्कि मुझे तो वैसे सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, एक साइड पे मैंने मायो लगाई है, आप मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, वो थोड़ी सी खट्टी होती है तो मैंने ऐड नहीं थी कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा अच्छा नहीं लगती वो। तो एक साइड पे मैंने केचप चिली भी आप यूज़ कर सकते हैं, हम चिली नहीं खाते। तो जी मेरे हस्बैंड खाते हैं कटिंग करके, तो मैंने उसको हाफ कट कर दिया, बल्कि समटाइम वो कहते हैं इसके 4 पीस करके दो। तो जी बस हम लोगों का डिनर रेडी हो गया है और इसको अब हम खाने लगे हैं। तो बहुत मज़ा के बने थे, ज़रूर ट्राई करें, सिंपल से हैं और ये बर्तनों का ढेर तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा हो। फैमिली छोटी हो बड़ी हो, बर्तनों में बहुत बरकत होती है। तो बस जी यहीं तक था व्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, अपना रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।